YouTube देखने वालों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं आपको जौनपुरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की नवाब हुए, जिन्होंने जौनपुरी राग का आविष्कार किया। जौनपुरी राग की उत्पत्ति असावरी थाट से हुई है। इस थाट में गा, नी और धा स्वर कोमल है। अब असावरी और जौनपुरी ये संप्राकृत राग आपस में मिलने वाले राग इनकी सहायक दूसरे में दिखाई देती है। तो जौनपुरी राग इसकी जाति है शारंग और संपूर्ण, यानी के अरोह में 6 स्वर बनते हैं और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। इस तरह से इसका वादी स्वर पंचम और संवादि स्वर षड्ज। कोई कोई विद्वानों के मत में वादी स्वर धा और संवादि गा को भी मानते हैं। खैर, ये तो कलाकारों का अपना मत मतांतर है। इसी प्रकार असावरी राग और संपूर्ण, यानी कि असावरी के अरोह में 5 स्वर और 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 और संपूर्ण। अब असावरी को देखें तो उसका चरण ऐसे होगा, इसका समय जौनपुरी का समय दोपहर का है और ये श्रृंगार रस प्रधान राग है। तो पंचम पर न्यास और वादी पंचम, इसलिए ये पंचम वर्ष का न्यास करना और इसको वादी के तौर पर प्रयोग करना बड़ा भरा लगता है। जैसे अब एक छोटी सी बंदिश आपके सामने प्रस्तुत है।